आरंभ तू है, तू ही अंत, तू मलंग तू महंत, आदि तू है तू अनंत, महादेव नीलकंठ, तू धरा है तू ही व्योम, तू रवि है तू ही सोम, अर्थ तू है तू विलोम, तू गुरु है तू ही ओम, वेद तू है तू ही कंठ, तू ही तंत्र तू ही मंत्र, आदि तू है तू अनंत, महादेव नीलकंठ, सर्द तू है तू ज्वलंत, मेघ तू है तू बसंत, आदि तू है तू अनंत, महादेव नीलकंठ। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे आए? मेरी मानो तो तुम कंप्लेंट मत करो। इस हद तक हैरेसमेंट है कि हर बार खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। अब FIR होगी। उसके लिए तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, कॉलेज की बदनामी करोगे। गेट आउट। रोज किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है और हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो इस वजह से अगर छोटी मोटी छुटपुट घटना हो जाती है तो इसको इतनी गंभीरता से लेने का क्या मतलब है? छोटी मोटी? सर, इसकी जान जा सकती थी, क्या ये गंभीर विषय नहीं है? मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकली तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया। फिर भी उन लोगों ने मुझसे पूरा बाथरूम साफ कराया। मैं रोते हुए कमरे में चली गई। मधु मुझसे कह रही थी कि कंप्लेंट कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ कुछ होगा ही नहीं, तुम्हारे केस में भी तो कुछ नहीं हुआ। कमाल है यार, इतना सब कुछ होता है हम लोगों के साथ, डीन है कि मानने को तैयार नहीं है। पता भी कैसे चलेगा, कभी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकले, कैंपस घूमे, स्टूडेंट से बात करे, तब तो उन्हें पता चले कि कॉलेज में चल क्या रहा है। एक्चुअली पता उन्हें सब है, वो खुद ही हमें पसंद नहीं करते। अजीब सी बात है, मेडिकल साइंस के लोग हैं, डॉक्टर बनने आते हैं, थॉट देखो इनके, दकियानूसी। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहां पर आ गए हैं तो डर कर वापस तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। बस कैंटीन से निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में भाई। क्या हुआ? मैं बाद करता हूँ। सर क्यों बे? सुना तू FIR लिखाने गया था मेरे खिलाफ? एक बात कान खोल कर सुन ले, तुम लोगों को इस कॉलेज में रहना है तो बाबा जी का सहना है। एक तो कोटे से आकर हमारे हिस्से की सीट घेर लेते हो और उस पर मुझे आंख दिखाते हो। जय भीम भाई सर। बैठो। क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? कुछ भी नहीं भाई साहब, थोड़ी परेशानी है भाई साहब इन लोगों को लेकर। नमस्ते। 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 आपने कुछ तो किया होगा।
देखो मैंने बात किया था अपने कई दलित अधिकारियों से इस सिलसिले में, लेकिन सभी का यही कहना है कि इस मामले को ज्यादा तुल देने से दूसरे तमाम छात्रों पर इसका असर पड़ सकता है और उनका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब, अगर सब लोग यही सोचकर चुप हो जाएंगे तो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे धैर्य से काम लेने का समय है। अगर ज्यादा गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। देखिए भाई साहब, गरम और ठंडा खाने पीने की बात नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम और आप मिलकर इनकी मदद करें ताकि हमारे समाज में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की संख्या बढ़ सके। अगर हम और आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए भाई साहब, आज आप ऊंचे पदों पर हैं, मजबूत हो, इनके लिए, समाज के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। ठीक है भाई साहब, आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। जय भी। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस किसी के पास भी पैसा और पावर आ जाता है वो खुद को दलित नहीं ब्राह्मण समझने लगता है। कुछ करेंगे, चिंता मत करो, चलो बैठो। मासी क्या गई थी कल, क्या हुआ? देख रही हूँ बहुत टेंशन में, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, ये आईएस अफसर के पास लेके गए थे, मदद करने की बजाय वो तो पल्ला झाड़ के खड़े हो गए। तुम्हें पता है मेरी मम्मी हमेशा मेरे पापा से लड़ा करती थी कि रिचा का सरनेम स्कूल में वाल्मीकि मत लिखवाओ, क्योंकि जब लोगों को पता चलता था ना कि शेड्यूल कास्ट है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। आज लगता है मम्मी सही कहती, पर मेरे पापा हमेशा कहते थे सरनेम हटाने से कुछ नहीं होगा, उससे हमारी जाति, हमारी रिलीजन चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी आने वाली सारी जनरेशंस को हमारी जाति पर प्राउड हो। वो तो ये भी कहते थे, रिचा तुम देखना जब तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी ना तो ये सब तुम पे गर्व करेंगे, और केवल तुम पे ही नहीं हम पे भी। बाबूजी ने ऐसे ही कहा था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मुझे कह रहे कि वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैंने कहा तो बोले वो बात बात पर तुम्हें
नीचे जाती होने का एहसास दिलाएंगे, तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन टूटना मत, हिम्मत रखना। देखना, हिम्मत रखूंगा मैं, ये लोग चाहे कुछ भी बोलते थे, मैं एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगा। I believe and I'm sure तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। आप डीन से मिले? हाँ भाई साहब, डीन से भी मिला और दलित अधिकारियों से भी मिला। लेकिन समझ लीजिए भाई साहब कि किसी ने भी कोई भी मदद करने से इनकार ही कर दिया। अब आप समझे भाई साहब मैं क्यों इन लोगों के लिए इतनी कड़वी बात बोलता हूँ। हमारे ही समाज के नेता और अफसर इन बातों से बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि इन पछड़ों में फंसकर उनके लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो। अब तो भाई साहब हमारे पास बस वही दूसरा रास्ता बचा है। पिछले महीने किसानों के लिए धरना प्रदर्शन किया था, अब इन छात्रों के लिए जुलूस और धरना प्रदर्शन करो। लेकिन भाई साहब इसमें हमको आपकी मदद चाहिए, क्योंकि बिना मीडिया के ये बात उनके कानों तक नहीं पहुंचे। क्या कहा जाए, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या ऑफिस, हमारे जर्नलिज्म में भी बुरी तरह घुसा पड़ा है। पता नहीं सब कब खत्म होगा। फिर भी आप अपने समाज के लिए इतना कर रहे हैं, बड़ी बात है। मैं आपके साथ हूं पूरी तरह। ठीक है भाई साहब, मैं तैयारी करके आपको बताता हूँ। ठीक है, बताइएगा। सामान को चलते हैं भाई साहब। ठीक है, बारिश हो रही है भाई साहब, आप भी जल्दी निकल लीजिएगा। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर। जय भी, जय भी। अच्छा, बाबूजी को बोलना कि मैं उनको शाम को फोन करूंगा, रिजल्ट आ जाए एक बार। ठीक है, ठीक माँ, ठीक ठीक। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। देखते 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 देखते